हेलो, हे गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। मैंने खेलों की एक सीरीज जो शुरू किया है, तो सुबह की वीडियो मैंने ओलंपिक के बारे में आपको बता दिया है। जो भी करंट से अपडेटेड था वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं पैरालंपिक। ठीक है, पैरालंपिक क्या चीज़ है, पैरालंपिक कब होता है ना, इसका आयोजन कहाँ कहाँ पे हुआ है ना, भारत का प्रदर्शन कैसा था, किसने पहला गोल्ड जीता, किसने अभी 2020 में जो होना था तो पोस्टपोन होके 21 में हुआ है ना, तो उसमें कितने मेडल आए है ना, किस किस व्यक्ति ने जीते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है, वैसे भी पैरा ओलंपिक भी हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये आपको पता थी, मुझे पता है। क्या होता है कि जिस क्षेत्र में या जिस जगह पे ओलंपिक का आयोजन होता है उसी जगह पे पैरालंपिक भी होता है। ठीक है, जैसे 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो है ब्राजील में आयोजन हुआ था ओलंपिक का, है ना, तो वहीं पे भी आयोजन वहीं पे आयोजन होगा किसका, पैरालंपिक का। अभी जैसे टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है ना ओलंपिक का आयोजन हुआ, तो उसके बाद अभी क्या शुरू है, हो चुका है, अभी उसी जगह पे हुआ है। मतलब ग्राउंड अगर चेंज हो सकते हैं पर जगह वही रहेगी। ठीक है, टोक्यो में हुआ है पैरालंपिक का। तो हम बात करते हैं पैरालंपिक का, पैरालंपिक का मतलब क्या होता है, पैरालंपिक में कौन से खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो पैरालंपिक क्या होता है, किसको बोलते हैं पैरालंपिक, शारीरिक दक्षता जिनकी पूरी नहीं होती है ना, शारीरिक दक्षता जिनकी पूरी नहीं होती, कहने का मतलब ये है कि जिनका या तो एक हाथ नहीं रहता, एक पैर नहीं रहता जिनका, या शरीर का ऐसा कोई अंग जो काम करना बंद कर देता है, नीचे का सिरा हो गया पूरा बॉडी का, ठीक है, आंख हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब शरीर दक्षता जिसकी पूर्ण नहीं होती है वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं यहाँ से हम। तो सर गुडविन गुटमान को पैरालंपिक खेल आयोजन का जो है तो क्या कहते हैं, जनक माना जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। 1948 1952 ईस्वी में सफल प्रयास के बाद 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है कि 1948 1952 में पैरालंपिक में जो है तो खिलाड़ियों को तो शामिल किया गया, मतलब कि ओलंपिक में ही खिलाड़ी पैरा जो प्लेयर थे उनको शामिल किया गया, लेकिन उनको उतना अच्छा से वहाँ पे संगठन या मोटिवेशन या कुछ भी बोल दें आप, है ना, नहीं मिल सका। इसके बाद 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक में, जब 1960 में रोम ओलंपिक हुआ ना, तो पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ। अब ओलंपिक का तो आयोजन हुआ ही, प्लस वहां पे अलग से पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हुआ। ठीक है, अगली बात यह है कि प्रारंभ में पैरालंपिक को इंटरनेशनल व्हील चेयर ओलंपिक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई इसमें कि इंटरनेशनल व्हील चेयर ओलंपिक कहा जाता था, किस तो अभी जो वर्तमान में पैरालंपिक है, क्योंकि इस खेल के आयोजन में सिर्फ वही खिलाड़ी हिस्सा लेते थे जिनकी मतलब जो शारीरिक जो अपने शरीर की जो अपनी शारीरिक दक्षता खो चुके हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, ज्यादा समझाने वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब क्या हुआ था कि ब्रिटेन के एथलीट खिलाड़ी मार्गरेट माघन है ना पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहले खिलाड़ी थे, ब्रिटेन के एथलीट खिलाड़ी थे मार्गरेट माघन। ठीक है, तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो है तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पढ़ा था, फिर एशिया की कमेटी पढ़ा था, फिर भारत की कमेटी पढ़ा था, एक समिति पढ़ा था, है ना, उसी तरह इसकी पैरालंपिक की भी एक कमेटी तो कमेटी होती है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी होती है, जिसको साथ में आईपीसी, ये आईपीसी वो नहीं है इंडियन पैनल कोड वाला, ठीक है, इसका इस आईपीसी का मतलब है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसकी स्थापना आईपीसी की स्थापना 22 सितंबर 1989 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता है 22 सितंबर 1989 में की गई थी। वर्तमान मुख्यालय से कहाँ पे है, मुख्यालय है वान, वान कहाँ पे है, जर्मनी में है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो वर्तमान अध्यक्ष है इसके एंडू पार्सन्स। कहाँ के हैं ये, ब्राजील के हैं। कब से हैं ये, 2017 से हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, कहाँ के हैं, तो ब्राजील के हैं एंडू पार्सन्स। सिद्धांत क्या था इसका, स्प्रिट इन मोशन है ना, सिद्धांत एक बोलते हैं मोटो जैसे बोलते हैं, तो स्प्रिट इन मोशन। ठीक है, जैसे हमने आईपीसी पढ़ा उसी तरह हम पीसीआई पढ़ेंगे, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, एक इंडिया की कमेटी होगी ना,
इंडिया की कमेटी, ये तो इंटरनेशनल कमेटी हो गई आईपीसी जो मैंने बताया, अब एक इंडिया की होगी पीसीआई। स्थापना पीसीआई की स्थापना 1992 में की गई थी, सिंपल सी बात है, पीसीआई की स्थापना 1992 की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में, प्रथम अध्यक्ष इसके रतन सिंह थे, वर्तमान अध्यक्ष अभी अगर बात करें तो राव इंद्रजीत थे, इसके पहले दीपा मलिक थी, दीपा मलिक थी, इनका नाम बहुत फेमस है, अभी हम आगे चल के देखेंगे इनको। ठीक है, ये जो वीडियो में मेरे शोर सुनाई दे रहा है ना, तो ये गणेश चतुर्थी चल रही है, तो बगल में ही मेरे बिल्डिंग के पीछे ही जस्ट गणेश जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भजन का आयोजन आज हो रहा है, उसी की आवाज़ है बस। तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना, वो बाहरी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब करने के लिए, कोई बात नहीं, गणेश जी का है, कुछ नहीं बोल सकते हम। ठीक है, चलिए आगे अपने इधर आते हैं कोर्स में, क्या लिखा फिर अंग, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैंने आईपीसी पढ़ लिया, पीसीआई हमने पढ़ लिया, अब भारत का प्रदर्शन पैरालंपिक खेल में कैसा रहा, तो भारत ने पहली बार 1968 ईस्वी के मैक्सिको पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। 1968 ईस्वी के मैक्सिको पैरालंपिक में भारत ने हिस्सा लिया था। पैरालंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, लेकिन भारत ने कब हिस्सा लिया था, 1968 में। ठीक है, भारत को पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारतीय तैराक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के म्यूनिक पैरालंपिक में जिताया था। ये मुरलीकांत पेटकर का संबंध, ये शायद आर्मी में थे, है ना, तो युद्ध में जो है तो इनका शायद पैर कट गया था, ऐसा मुझे कुछ रिकॉल हो पा रहा है ना। तो अब फिर क्या हुआ, 1976-1980 के पैरालंपिक में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1976 में, 1980 के पैरालंपिक में भारत ने, अब तक पैरालंपिक में 4 गोल्ड मेडल, मतलब 80 तक के अंतराल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भारत ने अब तक पैरालंपिक में 4 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 12 मेडल इन्होंने जीते थे उस समय। 1968-1972 में जो है तो भारत ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। 1968 में तो भारत मतलब शामिल हुआ था, हिस्सा लिया था उसने, पर मेडल शायद उसने नहीं जीता था इसमें। ठीक है, अब 1972 की बात करूँ तो 1972 में भारत ने गोल्ड जीता था, 1980 में भारत ने भाग नहीं लिया था, मैं आपको बता चुका हूँ। 1984 में कुल 4 मेडल है, 1984 में कुल 4 मेडल है, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि 1988, 1996, 1992, 2000 में भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला, मतलब 1988 में, 1992 में, 1996 में और 2000 में भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला। ठीक है, अब 2004 में देवेंद्र झाझरिया ने गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध किससे, भाला फेंक से। ठीक है, भाला फेंक में, ये कहाँ के हैं, ये राजस्थान के चुरू जिले से आते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या अपंगता थी, इनका एक हाथ नहीं था, मतलब बोला तो इनका एक हाथ आधा हाथ था। ठीक है, इनका एक हाथ आधा था, इनको जो है तो मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ कि 2017 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, 2004 में राजेंद्र सिंह रहेलू एक ही व्यक्ति का नाम है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें जीता था, तो पावर लिफ्टिंग में जीता था। पावर लिफ्टिंग क्या होती है, व्यक्ति होता है व्हील चेयर में बैठा होता है, उसकी व्हीलों को छोटे छोटे जो खंभे होते हैं उस खंभे से बांध दिया जाता है, और वेट लिफ्टर वाला जो होता है ना, वही उस पूरे उस डंडे में चक्के लगे होते हैं जो भी, उसको वहीं से मतलब अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे उनको उठाते हैं ऊपर, जैसे मीरा भाई चानू ने ना ओलंपिक में किया था। ठीक है, अब इनका जो राजेंद्र सिंह मैंने रहेलू को बताया, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, इनमें क्या अपंगता थी, तो कमर के नीचे का हिस्सा जो था इनका तो काम नहीं करता था, कमर के नीचे का हिस्सा, इसलिए तो व्हील चेयर में रहते थे। इनको 2006 में जो है अर्जुन अवार्ड से इनको नवाजा गया था। ये कहाँ के थे, ये पंजाब के थे। ठीक है, अर्जुन अवार्ड की बात हुई तो अर्जुन अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है बताइए, 5 लाख रुपये। ठीक है, 2012 में गिरिसा होसंगरा नागेश्वरम जी ने सिल्वर मेडल जीता, जो हाई जंप में मिला था 2012 में। ठीक है, अब ये क्या था, इनका एक पैर टेढ़ा था। गिरिसा होसंगरा नागेश्वरम जी, आज के जमाने में जो पैर मुड़ा होता है ना उसको क्लब फुट बोलते हैं, तो इनका एक पैर टेढ़ा था। आगे बात करता हूँ, रियो ओलंपिक 2016 में 163 देशों ने भाग लिया था, रियो ओलंपिक में, है ना, रियो डी जेनेरो ब्राजील में 163 देशों ने भाग लिया था। खेलों की संख्या कितनी थी, तो खेलों की संख्या थी कितनी, 23
टोटल 23 खेल शामिल किए गए थे। स्लोगन क्या था? अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, इसका थीम सॉन्ग क्या था? एज थीम सॉन्ग इसका था यस आई कैन, बोलते हैं ना यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो यस आई कैन। शुभंकर क्या था इसका? टोम। टोम था, ये ब्राजील के कोई एक सिंगर है ना, उनसे रिलेटेड इनका शुभंकर बनाया हुआ था। भारत ने 2016 में पैरालंपिक में 4 पदक जीते थे। ठीक है, 4 पदक कौन से वो जान लेते हैं हम। मरियप्पन थंगावेलू हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना। अब ये हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे। इनके जो है तो इनमें क्या पंगा था, तो इनका एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है इनका, मरियप्पन थंगावेलू का। ठीक है, दूसरा हम देवेंद्र झाझरिया की बात करते हैं, तो भाला फेंक में ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनको 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, दीपा मलिक की बात करते हैं, तो दीपा मलिक क्या करती थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीपा मलिक शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था रियो ओलंपिक में, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल। अब इनके लिए थोड़ा सा एक फैक्ट है कि पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध हरियाणा से है, इंपॉर्टेंट है ये। वरुण सिंह भाटी के अगर हम बारे में बात करें, तो वरुण सिंह भाटी हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 2017 में इनको जो है तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको नवाजा गया था। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ है ना, पैरा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हुआ, इसका आयोजन टोक्यो जापान में। कब इसका आयोजन हुआ? तो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ है। खिलाड़ी की संख्या कितनी? तो 54 खिलाड़ी गए हुए थे, और जब ये यहाँ से गए हुए थे ना, तो मैंने न्यूज़ देखा हुआ था, तो उसमें बता रहे थे कि इस बार भारत को जो तो ज़्यादा मेडल जीतने के चांसेस हैं पैरालंपिक। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ से जो खिलाड़ी गए थे ना जापान, जो गए थे टोक्यो में तो ओलंपिक पैरालंपिक खेलने, तो उसमें से बहुत से प्लेयर ऐसे थे जो वर्ल्ड में नंबर 1 थे 2 थे 3 थे, मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर थे, है ना। तो इसमें हमको कितने पदक मिले? इसमें हमने 19 पदक हमको मिले, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। अब पहली बार भारत जो है 25 में रहा था, 25 मतलब कि 24वें नंबर पर भारत था इसमें। ठीक है, अब किसको कौन सा गोल्ड मेडल मिला इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले भावीना पटेल थे, टेबल टेनिस में इनको गोल्ड मिला था। अवनी लखेरा को शूटिंग में मिला था। अब इनको जो है तो शूटिंग करती थी, तो इनको शूटिंग में 1 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको गोल्ड मिला था, और 50 मीटर एयर पिस्टल में राइफल में जो है तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, सुमित अंतिल भाला फेंक से खेला, भाला फेंक से संबंधित है ये, इनको गोल्ड मेडल मिला था। मनीष नरवाल शूटिंग करते हैं, मनीष नरवाल जो है तो शूटिंग करते हैं। ठीक है, अब प्रमोद भगत और कृष्ण नागर की हम बात करते हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था। निषाद कुमार से बात करते हैं, तो निषाद कुमार हाई जंप से संबंधित है, हाई जंप से संबंधित है, सिल्वर मेडल इन्हें मिला था। योगेश कथुनिया को अगर हम बात करें, तो डिस्कस थ्रो करते हैं, क्या होता है उसको, चक्का फेंक, तवा फेंक ट्राइक बार होता है ना, डिस्कस थ्रो करते हैं, सिल्वर मेडल इनको मिला था। देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, 2017 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है, याद रखिएगा, है ना। भाला फेंक संबंधित है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक संबंधित है, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सिंहराज शूटर है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मरियप्पन थंगावेलू हाई जंपर है, सिल्वर मेडल मिला था। शरद कुमार हाई जंप करते हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। प्रवीण कुमार हाई जंप है, सिल्वर मेडल मिला था। हरविंदर सिंह तीरंदाजी करते हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ठीक है, मनीष नरवाल और सिंहराज घाना, ये शूटर है, मनीष नरवाल को गोल्ड मिला था, सिंहराज घाना को जो है तो सिल्वर मेडल मिला था। मनोज सरकार बैडमिंटन से संबंधित है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सुहास एल एथिराज ये बैडमिंटन से संबंधित है, सिल्वर मेडल मिला था। ये अभी ये करंट का मैंने बता दिया, जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उनमें सबका विजेताओं का मैंने नाम बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इसको आप देखिएगा, और मैं वीडियो यहीं भी समाप्त करूँगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा लाउड जो आ रहा है ना, ये वीडियो पे अगर आ जाएगा तो शायद कंसंट्रेशन आप नहीं बना पाए ठीक से। ठीक है, चलिए तो ठीक है, वीडियो को देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। शायद होगा कि अगर आप लोगों की सहायता अगर मिली तो जल्दी स्मार्ट बोर्ड पे मिलेंगे हम। धन्यवाद।